हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए आपका इस हफ्ते का वर्क है, और इससे पहले आपको 2 वीक की वर्कशीट मिल चुकी है। ये आपकी इस वीक की वर्कशीट है, ये भी आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले मैथ्स, राइट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। इसमें आपको काउंटिंग मिसिंग में दी हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है, 51 से लेकर 100 तक। यहाँ देखिए सबसे पहले 51 लिखा हुआ है, तो यहाँ 52, 53, फिर 54, 55 लिखा हुआ है, 56। इसी तरह से आपको ये इस तरह से ये कंप्लीट करना है और 100 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इंग्लिश, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट वॉवल बॉक्स। आपको पता है वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनके नीचे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। इनमें आपको ये देखते हुए कि कौन से वॉवल से कौन सा वर्ड बना हुआ है, उसी में आपको वो वर्ड लिखना है। सबसे पहले ए, सब ये देखिए एफ ए टी, तो इसे हमें ए वॉवल्स वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ई, ई का वर्ड देखेंगे एन ई टी, नेट। नेक्स्ट आई, आई का वर्ड पिन, पी आई एन, ओ टी ओ पी, टॉप। नेक्स्ट इज यू, यू का वर्ड बी यू एन। इसी तरह से आपको इन वॉवल्स के जो भी वर्ड है उन्हीं के कॉलम में राइट करने हैं। नेक्स्ट राइटिंग, आपको इंग्लिश का एक पेज राइटिंग का करना है, ए कैट इन अ हैट। ये आपको इसी तरह से पेज, पूरे पेज पर राइट करके पूरा पेज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हिंदी की वर्कशीट है ये, वर्णों को उलट पलट कर नए शब्द बनाए। जैसे बस, तो बस को जब हम उल्टा इधर से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सब। इसी तरह से मग, मग को उल्टा लिखेंगे तो यहाँ गा आ जाएगा और ये माँ पीछे चला जाएगा। इसी तरह से ये नथ, तो नथ को इधर ये था पहले आ जाएगा और ना पीछे चला जाएगा। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है फूल बनाकर उसमें अपना चित्र लगाइए एवं हिंदी में अपना नाम लिखिए। यहाँ एक आपको फ्लावर ड्रॉ करना है, उसमें कलर फिल करना है, और बीच में आपको अपना पिक्चर लगाना है, और यहाँ आपको अपना नेम भी लिखना है। ओके बच्चों, और ये आपको एक पेज हिंदी का भी राइट करना है। ये देखिए हिंदी राइटिंग का है, एक सुलेख लिखिए, रमन पनघट तक चल। एक पेज राइटिंग का भी आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपका ड्राइंग, कॉटन पेस्टिंग एंड आइसक्रीम। ये आपको आइसक्रीम एक ड्रॉ करनी है और उसमें आपको ऊपर कॉटन भी पेस्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमने ये आइसक्रीम को ड्रॉ कर लिया है, और इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसमें हम ये देखिए ग्लू लगा रहे हैं, और इस ग्लू के ऊपर हमें कॉटन पेस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से आपको ये आइसक्रीम बनानी है, और इस तरह से इसे सारे इसमें व्हाइट वाले पोर्शन में लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है फाइव सेंस ऑर्गन्स, ये ईबीएस का है। ये आपको फाइव सेंस ऑर्गन्स बताए गए हैं, जैसे आई सी विद माई, तो यहाँ आपको लिखना होगा आई, आई हियर विद माई ईयर, आई स्मेल विद माई नोज, आई टेस्ट विद माई टंग, आई टच विद माई स्किन। इस तरह से आपको ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करनी है, और ये आपका होलीडे वर्क कंप्लीट हो गया। गुड बाय बच्चों, थैंक यू।